अब इसका इसको ये इसको वाला चातुरा बोलते हैं। छतुरा बोलते हैं। हाँ काहे का बना हमारा जी? ये मतलब कांसा कुसा का बना। अच्छा, हाँ कांसा कुसा सरपत। और बांस भी तो लगे महाराज? हाँ बांस भी लगे। अच्छा, ये चावल है चिड़ियन के लिए, अच्छा रोज का चावल मतलब 2-3 बार यहाँ डालते हैं। अच्छा चबूतरे में डाल देते हैं। हाँ तो चरेरू चुनते रहते हैं, अच्छा डौकी चिड़ैया तीतुर बटाल तमाम तरह के पक्षी आते हैं। अच्छा सीताराम, दोस्तों हम हनुमान जी वाले बाबा की कुटिया में आ गए हैं। देखे कुटिया है और महाराज जी अभी अंदर क्या कर रहे हैं, तो चलकर देखेंगे। आप लोगों ने जो सहयोग राशि भेजी थी महाराज जी के लिए, तो वो भी आज महाराज जी को देने वाले हैं। तो ये चलते हैं सीधा कुटिया की और देखते हैं कि बाबा जी इस समय क्या कर रहे हैं। ये देखिए महाराज जी की पर्णकुटी पहाड़ों के नीचे बनी हुई है। सीताराम महाराज जी। जय जय श्री राम। महाराज जी क्या बन रहा है? बस टिक्कर बन रहे। बन गए, उनके सेकाई हो रही। अच्छा हाँ देखिए दोस्तों, महाराज जी अपना टिक्कर धूना में बना रहे हैं। ये महाराज जी का धूना है, तो इसी तरह महाराज जी धूना में सेक लेते हैं। हाँ बस धूना में सेक लिया होगा। अच्छा हाँ और महाराज जी पूजा पाठ हो गया? और सब कंप्लीट है, पूजा पाठ सब हो गया। आज शनिचर था, सिंदूर भी चढ़ गया। अच्छा कितने टिक्कर बने हैं महाराज जी? तो 3 टिक्कर बनाया। अच्छा तो 3 में हो जाएगा? बहुत 2 अपाने का हो गया, 1 जय भूले भटके का। अच्छा कोहू का। और महाराज जी क्या बना है, सब्जी वब्जी कुछ बना है? नया आलू टमाटर सिद्ध किया, मतलब तो उसमें सेक। हाँ चोखा पका लिए हैं। हाँ अच्छा पका लिए। अच्छा ये है क्या महाराज जी चोखा आपका? हाँ अच्छा ये आलू, 2 आलू 1 टमाटर। हाँ एक वो है आंवला। एक आंवला? हम्म, तो इसी का बनाएंगे? बस इसी का चोखा बन जाएगा। तो इतने में हो जाएगा महाराज? बहुत पर्याप्त। और अभी के खाए महाराज जी? अब 24 घंटे के बाद बस 3 टाइम फिर कल बनेगा जी। एक है तो बनी। हाँ हाँ महाराज जी धुआं नहीं लगता आपका? धुआं हम आखिर से पी जाए। अच्छा आदत पड़ गई है। हाँ। और ये महाराज जी इधर जो खड़ाऊ रखे हैं ऊपर, क्या इसमें चढ़ाए हैं? इसमें नब्बू का फल है संतरा। अच्छा नब्बू का फल भी चढ़ाते हैं? हाँ संतरा और फूल पत्ते। हाँ सफारी भी चढ़ी है यहाँ। अच्छा खड़ाऊ में चढ़ाए ना महाराज? हाँ खड़ाऊ में चढ़ा। अच्छा महाराज जी आपके लिए जो है सहयोग राशि मंदिर के लिए, आपके हनुमान जी के लिए अच्छा भेजे हैं। भैया का नाम है विजय कुमार सेप्ता, बेलापुर नाभी नई मुंबई से हैं। अच्छा तो आपके बहुत बड़े भक्त हैं ये महाराज जी, सहयोग राशि। हाँ भैया नई मुंबई से हैं, विजय कुमार इनका नाम है। पहले अच्छा। भी आपके लिए सहयोग राशि भेज चुके हैं। अच्छा भेजा था जी जी जी। हाँ 1000 रुपये उनके आ कुछ जी, हमारी आशीर्वाद है हार्दिक। खूब फूल है पारे, उनका धन बढ़ा है, कुल परिवार को शांति रहा। हम ये बात हृदय से कही थी। जय जयकार बनी रहा हर हमेशा, कोई तरह की परेशानी ना हो जाए। जय विंद्रवासिनी धूना पानी, हे लक्ष्मी माता। ठीक विजय कुमार भैया जी। अच्छा विजय कुमार भैया की जय जयकार बनी रहा। हाँ भैया। सीताराम भैया। हाँ सीताराम भैया। भैया हम महाराज जी के आश्रम में आ गए हैं, आपकी सेवा उनके अच्छा। हाथ में दे दी है। ठीक है ठीक है, आप बात कर ले थोड़ा महाराज जी से ले। अच्छा। हेलो प्रणाम महाराज जी। खुशी रहा भैया। जय जय सियाराम। जय सीताराम। आपकी सेवा यहाँ नहीं, हम बहुत दिन से प्रयास में थे हनुमान जी के मंदिर में, मतलब ठीक है गुरु जी, ऐसे हो जाएगा तो आप फोन करवाना भैया। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है आपका आशीर्वाद है, कुल परिवार खुशी रहे, आपकी लक्ष्मी बढ़े। हम हृदय से बात कही थे बंदे भी, आपके साथ में संग में रहा। हाँ जय जय श्री, आप कृपा बनी रहे। कृपा बनी रहे।
खूब कृपा बरसेगी, भगवान का भाई सुनिए सही है, खूब कृपा बनी रहे, हाँ खुशी रहो, जय हो। ऊंच निवास नीच कर तूती, अदेख न सके पराई भभूति, तो शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, अदेत इस फल समय बिचारी, जहां सुमत तहां संपत नाना, और जहां कुमत तहां विपत निधाना, सुमत कुमत सबके उर रहई, अबेद पुराण निगम अस कहई, उमा काम अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कहा थी पार्वती से कि हे उमा जी, सबसे बड़ा भजन है और यह संसार जो है तो ये सपना है, सपनन मा दिखाई दिया, यहाँ कुछ नहीं, भजन है भगवान, भगवान का भजन करो, भगवान 24 घंटा अपने भक्तन की रक्षा करती, अपने भक्तन की चमत्कारी करती, अपने भक्तन का हनी कोई तरह का कष्ट नहीं आव दे, को सता नहीं पावे, तो भगवान का नाम ले से ज्यादा कल्याण है, भूखे प्यासे सोवत जागत उठत बैठत भगवान का भजन करो, उल्टा सीधा नाम लो, वो सब तन में प्रसन्न रहती, कोई जरूरी नहीं है कि भगवान का नाम गा कर लिए, जिस तरह इच्छा हो वही तन ना लो, भगवान का हनी आलस मना लो, जमुआई में ना लो, तब भी कल्याण, कोई तरह की परेशानी नहीं। नेहु क्यों धारण किया जाता है? देखो ये ब्रह्म शक्ति है, ये में नियम लागत है। अच्छा, मान लो नहीं, अब जैसे हम लोग शंका कर जाई थे और जानो जानो ढारे हैं, तो हमें ये ध्यान रही, हमें डर रही, या हम जानो ढारे हैं, जानो का हम मर्यादा रखेंगे, तो इसको हम कान में चढ़ाएंगे तो ये जो गांठ लगी है जी, ये अशुद्ध नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अशुद्ध नहीं होगी, हम गायल बीच जाए थे, हम ये जनेऊ पहरे हैं, ये मऊ घनी लोहा पारा है, रास्ता में कोई भूत बैताल है, वो भाग जाएगा, इसलिए कि ये पावर है। अच्छा, जनेऊ में नियम का अनुसार। ये देखे दोस्तों, महाराज जी अपने कुटिया से बाहर मंदिर की ओर जा रहे हैं, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, दीन दयाल विरस संभारी, हर हुनाथ मम संकट भारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। होगा इसकी छपाई बगल की होगी। अच्छा, नीचे की महाराज जी? हाँ नीचे की, और इसमें लेंटर पड़ेगा, इसमें पत्थर तो कूट गया महाराज जी। हाँ, और सब फिटा, लेंटर रह गया, बस लेंटर चालू कर देखो, होगा ऊपर महाराज जी? ऊपर मतलब अब वो निकालेंगे नकाश उकाश। अच्छा, तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ काम सब हो जाए धीरे से। हाँ, ये नीचे क्या थोड़ी मोट काम है। हाँ, इसमें समय लगेगा और सामान भी इसमें पड़ना है ज्यादा का। अच्छा, तो यह हो जाए तो फिर ऊपर ही क्या सरल। जी जी, ऊपर फिर दो आदमी लगे हैं। हाँ, एक नीचे सामान देकर एक हम बगल का कारीगर के। अच्छा, वो काम हो जाए, समान सब आ कुछ है जो बाकी हुई तो आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सब काम धीरे से हो जाएगा। ऊपर महाराज जी कलश लगेगा? हाँ, ऊपर कलश लगेगा, रहेगा।
और ये महाराज जी आपका ये तो छतुरा बोलते हैं कि माड़वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं अब इसको? ये इसको छतुरा बोलते हैं, छतुरा बोलते हैं। हाँ। काहे का बना महाराज जी ये? मतलब कांसा कुसा का बना। अच्छा। हाँ, कांसा कुसा सरपत। और बांस भी तो लगे महाराज? हाँ, बांस भी लगे। अच्छा, तो हाँ। इसमें भी आप आराम करते हैं? हाँ, इसी में आराम करी थे। अच्छा, मतलब जय मर्जी भटे फिर अंदर दोनों माने कुटिया आपकी, उधर खाना बनाते हैं। हाँ। उधर धूना है। हाँ। और इधर अपना आराम। हाँ, आराम करने के लिए हो गया जी जी। अब पीछे तो महाराज जी जंगल है, जंगल है। हाँ, जंगल है एकदम। हाँ, अब जैसे कोई आ गया तो फिर बरसाती दबा दिया। अच्छा, उसके नीचे मतलब आराम करते रहे। अच्छा, सेठ तारा अब बाबा जी रहे तो उन्हें के खातिर बरसाती नवावा। अच्छा, तो काल परसों चले गए कहीं घूमने फिरने। अच्छा, जब तब आवे। हाँ हाँ, मान लो कोई आग बना हुआ खाक। हम्म, रात रुकत है। हाँ, पानी बूंद कौन बात पड़ गए तो ये बरसाती दबा दिया। अच्छा, ये पन्नी आ गए। हाँ, पन्नी डरवा दिया जी, उसमें पानी नहीं जाएगा, आराम से वो बनाए खाएगा, दो एक बोझ पायरा नवा देंगे जी अपना आराम से पड़ा रहा जी। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया से निकल कर क्या महाराज जी डब्बा में लिए हैं? ये चावल है चिड़ियन के लिए। अच्छा, रोज के चावल मतलब दो तीन बार यहाँ डालते हैं। अच्छा, चबूतरे में डाल देते हैं। हाँ, तो चरेरू चुनते रहते हैं। अच्छा, डौकी चिड़ैया तीतुल बटाल तमाम तरह के पक्षी आते हैं। अच्छा, और जिसको जानकारी है तो फिर यहाँ मतलब चावल का दान भी करते हैं। अच्छा, नहीं हम जंगल में कहाँ पाएंगे। अच्छा जी जी, सही है। और एक दिन आगरा के एक टीपा भेज दिया। अच्छा, हम डाल रहे। अच्छा, लेकिन आज तक भगवान की दया से चावल बढ़ान न है, कोई में कोई देता रहता है। हाँ, बढ़ा नहीं पाऊँ। भगत जगत देते हैं तो हाँ, यहाँ डालते हैं, डालते रहते जी। तो दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामत गिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।